हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और उसमें प्रश्न क्रमांक 376 के उत्तर में बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में 10,368 और नवोदय विद्यालय संगठन NVS में 3978 रिक्तियां जो है। ठीक है, तो जो लोग इसमें शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए। यहाँ पे किस राज्य में कितनी सीटें हैं आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। बिहार की बात करें तो बिहार में 225 सीटें हैं और इसी तरह और भी राज्यों में देख सकते हैं आप, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड में 160 है। तो आप देख सकते हैं अपने अनुसार कि आप जहाँ के हो वहाँ का देख सकते हो। तो राजस्थान में 110 है, अच्छी खासी सीटें जो है नवोदय विद्यालय में भी है। कुल मिलाकर 3978 सीटें, अगर टोटल सीट की बात करें तो 3978 सीटें हैं। और इसकी वैकेंसी जो है, मतलब इसके लिए विज्ञापन वगैरह मार्च तक आएगा। मार्च के बाद मतलब भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से केंद्रीय विद्यालय में तो बिल्कुल भी जो नियुक्ति है वो नहीं हुई है। कोविड की वजह से भी बीच में स्कूल भी बंद हो गया था, तो इन सारी वजहों को लेकर नियुक्ति जो है नहीं हुई है। तो कभी भी विज्ञापन जो है आ सकता है। तो जो लोग इच्छुक हैं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनने को, तो प्रिपरेशन में लग जाइए, बहुत जल्दी आपको मौका मिलने वाला है और अच्छी खासी वैकेंसी भी है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड तमाम तरह की न्यूज़ को लेकर मैं अपने चैनल पे आते रहती हूँ। तो जो भी लोग चैनल पे नए आ रहे हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।